हरे कृष्णा, मेरा नाम काला खिताबत है। आज मैं आपको एक कृष्ण भगवान की छोटी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मथुरा के रास्ते पर चलते हुए कृष्ण भगवान एक आकर्षक चेहरे वाली युवा कुबड़ा महिला को देखा, जो अपने हाथों में चंदन की लेकिन ट्रे लेकर जा रही थी। कृष्ण भगवान ने प्रश्न देते हुए कहा, ओ सुंदरी, मैं चंदन, आप ही चंदन लेकर कहाँ जा रही है? उसने कहा, ओ सुंदर, मैं इस चंदन को लेकर महाराज कंस के पास जा रही हूँ। मैं निमेदासा करती हूँ, मेरा नाम कुब्र है, साथ ही त्रिवक्रम। कृष्ण भगवान की लीला के प्रभाव से मोहित कोब्जा ने कृष्ण और बलराम के शरीर पर चंदन का लेप लगाना शुरू कर दिया, जिससे वे और सुंदर दिखने लगे। कृष्ण भगवान ने इस पर प्रसन्न होकर उसके पैर के अंगुलियों को अपने पैर के अंगुलियों से दबा दिया और थोड़ी को ऊपर उठा, जिससे कुब्जा का कुबड़ापन ठीक हो गया और वो एक सुंदर महिला में बदल गई। कुब्जा ने कृष्ण और बलराम के माथे पर टीका लगाया। कुब्जा की भावों का आमंत्रित करने पर कृष्ण भगवान ने उसके घर आने का वचन दिया और उसको विदा कर दिया। कृष्ण भगवान भी आगे बढ़े। घूमते कृष्ण भगवान उस मंदिर पाके जहाँ शिव धनुष रखा हुआ था। शिव धनुष को देखने के बाद कृष्ण भगवान ने पुजारी से पूछा, क्या मैं धनुष को छू सकता हूँ? कृष्ण भगवान की यह बात सुनकर आसपास के सभी लोग हंसने लगे। पुजारी ने उसको बालक समझकर उसको छूने की इजाजत दे दी। श्री कृष्ण भगवान ने मन में शिव जी की इजाजत लेकर धनुष को भी उठाया और बीच में से तोड़ दिया और कंस के सारे रक्षकों को भी मार दिया। इसके अगले दिन कृष्णा ने कंस के बुलाने पर अखाड़े में पहुंच गए और कंस का वध कर दिया। हरे कृष्ण।